The second phase, 13 seats of Rajasthan will also be voting in the second phase, and with the second phase, it would be curtains down on the Lok Sabha elections for Rajasthan, the fate sealed in the ballot box. Well, I travelled through most of the constituencies going to vote in the second phase and the first phase as well, and it does look to be an interesting contest in Rajasthan. काम अच्छा दिखने में आएगा और सुनने में आएगा, उनका काम दिख रहा है। जैसे अभी मोदी जी का बोलबाला है, तो बोलबाला इसलिए है कि उनका काम नजर आ रहा है। गजेंद्र सिंह ने हमारे जोधपुर के लिए आने का काम नहीं किया, जो कि इनके हाथ में इतना बड़ा काम था कि इधर नदी बहवा देते थे पानी की, ठीक है ना। हमारे अशोक जी जितना तो कोई ऐसा कोई नेता न तो हुआ है न होगा। 5 साल के अंदर बहुत विकास हुआ है, और जो सर हमारी राज्य सरकार थी, जो गहलोत सरकार थी, वो सर पूरा का पूरा गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो काम किया उसको पूरा ढकने का काम किया है। आप वोट डालते हैं? जी मैडम। क्या सोच के वोट डालते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है वोट? भी वोट डालना भी पिछले 5 साल में उन्होंने क्या काम किया ये सोच के। ये सोच जी मैडम। तो कोई चेहरा नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, नहीं, सिर्फ नहीं, काम नहीं, देखते। बिल्कुल, हमारी फील्ड के अंदर आर्टिस्ट लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहित किया जा रहा है, बहुत अच्छा। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कोई भी चीज की हमें समस्या आती है वो हमें बताई जा रही है कि अगर आपको जरूरत हो तो सरकार से आप मदद ले सकते हैं। चुनाव का समय है, सरकार से क्या मांगना चाहेंगे इसको लेकर? मैं ये चाहूंगा कि ये जो सेना की जो है भर्ती, तो इसको पहले जैसा किया जाए, 4 साल अग्निपथ योजना को कैंसिल किया जाए। है जो ये अग्निवीर स्कीम है इसको खत्म करना चाहते हैं, जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो इसके फेवर में है? अधिकतर सभी फेवर में है कि पहले वाला स्कीम होना चाहिए। हम लोग ढंग से मेहनत करते हैं, 2-3 साल बाद जो भी बनते हैं, तो मैम 4 साल बाद में हम लोग वापस आ जाएंगे, तो बाद में हमारा आगे फ्यूचर क्या है? द मीनिंग ऑफ टिरनी ऑफ डिस्टेंस, इट्स टेकन अस प्रैक्टिकली फॉरएवर टू रीच द बारमेर जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड दैट नॉट द मेन सिटीज, ऑन द आउटस्कर्ट्स, द बॉर्डर नॉट वेरी फार विद पाकिस्तान, नॉट वेरी फार फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द मेन हिंदी हार्टलैंड। इट्स एरिड, इट्स स्टार्क, इट्स वॉन्टिंग, डेवलपमेंट हैज हार्डली कम कॉलिंग। मामला है रविंदर सिंह की जीत है, और विकास के काम पे कोई काम नहीं। 10 सालों में क्या किया? राम मंदिर बना है, उसको देखते हुए भगवान राम के 500 वर्ष बाद जो हमें मौका मिला है, तो यहाँ पर एक राष्ट्रवादी सरकार बनेगी और मोदी जी को मजबूत करने का कार्य बाड़मेर की जनता करेगी। क्या सोचते हो? देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, तो किसका पलड़ा भारी है, जो पसंद है वो नहीं पसंद तो देंगे हमको, मोदी जी पसंद। अच्छा, आपको मोदी जी पसंद है? अच्छा, आपको भी मोदी जी पसंद है? देश हित के लिए, देश हित के लिए। हम वैसे ही बीजेपी को वोट देते थे, पहले भी बीजेपी को देते थे। हाँ, उसको निर्दलीय है, वो निर्दलीय है, तो हम उसको ऐसे चाहते कि काम कर सकता है। जुड़े हुए हैं। मैं भारत विकास परिषद की बाड़मेर मुख्य सभा का अभी अध्यक्ष हूँ, नहीं मैं कट्टर कहे तो कांग्रेस ही हूँ, ठीक है। जो भी आपने गिनाया है इन चीजों से जुड़े हुए हैं, पर बिल्कुल मान्यता और वैचारिक रूप से कांग्रेस ही है। ये बताइए आपको बीजेपी क्यों नहीं पसंद है? किसने कह दिया पसंद नहीं है? अभी जैसे हमारे मोदी जी हैं, मैंने आपको एक प्रशंसा में कहा कि उन्होंने अजरकपुर बसाया, वहाँ उन्होंने रण महोत्सव भुज में शुरू किया, तो भुज की पूरी सोशल इकोनॉमी सब बदल गई, तो ये बात तो प्रशंसा योग्य है। A battle of prestige, honor, retribution, where one hopes political history repeats itself, while the other attempts to change the hand of history.